हेलो एवरीवन, आज हम पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यानी इस लेक्चर के अंदर हम एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे 90 इयर्स का, यानी 1857 से 1947 के बीच में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे, और ये प्रेजेंटेड बाय है इमरान शेख। तो हम पहले इवेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला इवेंट है सिपॉय म्यूटिनी 1857। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई। हम जानते हैं इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स जो थे वो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर इत्यादि थे। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो 1885 के अंदर हुई, जिसे हम कहते हैं स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ये एक यूरोपियन के द्वारा स्थापित की गई थी जिसका नाम था ए ओ ह्यूम। ये नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ए ओ ह्यूम, ये एक प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। इसकी एक ये भी थ्योरी मानी जाती है कि लॉर्ड डफरिन जो थे, जबकि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये बनाई थी एज अ सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल यानी जो ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो गुस्सा लोगों में था, उसे एक प्लेटफॉर्म मिल सके उस गुस्से को निकालने के लिए, तो ये एक कांग्रेस बनाई गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है 1905 के अंदर जो है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन, और स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन। इसे हम स्वदेशी आंदोलन को हम पहला आंदोलन भी कह सकते हैं जो एक प्रोटेस्ट फॉर्म में था। सिपॉय म्यूटिनी जो 1857 के अंदर हुआ था वो एक रिबेलियन फॉर्म में था, आर्म्ड रिबेलियन था, और ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये पहला आंदोलन था प्रोटेस्ट फॉर्म में। ये हुआ था 1905 में। उसके बाद 1906 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई, वो थी मुस्लिम लीग की स्थापना, दैट इज़ मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। इसके आपको जानकर ये हैरानी होंगी कि इसके सबसे बड़े जो आलोचक थे वो थे जिन्ना साहब। जिन्ना साहब नहीं मानते थे कि मुस्लिम लीग की ज़रूरत है भारत की आज़ादी के लिए, और तब सरोजिनी नायडू ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ सेकुलरिज्म भी नाम दिया था। उसके बाद 1907 के अंदर कांग्रेस स्प्लिट हुआ, सूरत सेशन था, दोनों कांग्रेस को दो दलों में बांटा गया। एक दल का नाम था नरम दल यानी जिसे कहते हैं मॉडरेट्स, और दूसरा नाम था गरम दल जिसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल के जो लीडर थे वो थे तिलक साहब, जो 8 साल उसके बाद जेल में गए 1907 के सूरत सेशन के वक्त। जो है वो ब्रिटिश पुलिस आई और फिर उसके बाद तिलक साहब को जेल ले जाया गया, और 8 साल तक लोकमान्य तिलक जो थे वो 8 साल तक जेल में थे। और नरम दल के जो लीडर थे वो थे फिरोज शाह, 1908 में उनका देहांत हो गया, ही डाइड इन 1908, एक साल बाद सूरत सेशन के। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना थी 1914 के अंदर, वो थी गदर पार्टी का फॉर्मेशन। वर्ल्ड वॉर वन चालू हो चुका था और उसके बाद गदर पार्टी जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में बनी। उसके बाद एक कामागाता मारू इंसिडेंट हुआ। कामागाता मारू एक शिप का नाम था, ये हम अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कामागाता मारू की इंसिडेंट क्या थी। उसके बाद 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग को दो तरह में विभाजित किया जा सकता है। एक होम रूल लीग थी जो लोकमान्य तिलक की थी, और एक होम रूल लीग थी वो थी एनी बेसेंट की। उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट यानी 1909 के अंदर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे, यानी भारत में जो है सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स लाए थे। कांग्रेस में इसके अंदर ये कहा गया था कि कांग्रेस में कुछ सीट्स जो थे मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रहेगी। फिर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जिन्ना ने समझौता कराया और उसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तब जिन्ना जो थे वो कांग्रेस के अंदर ही थे। फिर 1917 के अंदर जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी ने इसे हेड किया था।
उसके बाद एचएमजी स्टेटमेंट, एचएमजी स्टेटमेंट यानी हर मैजिस्ट्रीज गवर्नमेंट स्टेटमेंट, ब्रिटेन की जो क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ उनका ये स्टेटमेंट था 20 अगस्त 1917 के अंदर ये स्टेटमेंट आया था कि भारत में हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण कर सके, यानी हमारा आवर ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। उसके बाद 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट के बाद जालियनवाला बाग मसाकर हुआ। जालियनवाला बाग तो सभी को पता ही होगा, जनरल डायर ने जो अंधाधुन गोलियां चलाई थी उसे जालियनवाला बाग मसाकर कहते हैं। उसके बाद मॉन्टेक चेंसफोर्ड रिफॉर्म्स हुए आए। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स है इसे हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना थी और वो थी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत यानी जो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने और बाकी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम जो हमले हुए थे उसको, उसके बारे में ये खिलाफत हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दिखाई थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये है कि असहयोग आंदोलन इसे कहा जाता है। तो 1922 के अंदर यह हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया और उसके बाद फिर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर पुलिसों को जिंदा जलाया गया, ब्रिटिश पुलिसों को भारत के लोगों ने जिंदा जलाया। तो इसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। उसके बाद गांधी जी की भी काफ़ी आलोचना हुई थी कि उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद है द मोपला रिबेलियन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिबेलियन है और इसे यूजुअली हिस्ट्री में मिस किया जाता है। इसके अंदर यह था कि कास्तरगारो जो थे ये अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था कि जो लेबर्स लोग थे वो मुसलमान थे और जो ज़मींदार लोग थे वो काफ़ी हद तक हिंदू लोग थे। तो ये रिबेलियन था, ये इंसिडेंट फिर बाद में सांप्रदायिक बनी, फिर हिंदू मुस्लिम के रायट्स होए और फिर इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट कहा जा सकता है कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो रायट्स होते हैं और जो आज तक चले आ रहे हैं इसे, इस इंसिडेंट को जो मोपला रिबेलियन है इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट किया कहा जा सकता है। और ये 1922 के अंदर हुआ। उसके बाद 1923 के अंदर कांग्रेस वापस स्प्लिट हुई और वो थी प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के दो गुटों के अंदर ये स्प्लिट हुई थी, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्वराज पार्टी हुई। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है ऑल इंडिया स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 के अंदर। उसके बाद 1925 के अंदर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई, काकोरी षड्यंत्र कहा जा सकता है इसे। उसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, कांग्रेस किस तरह का भारत चाहती है ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो थी ये मोतीलाल नेहरू ने लाई थी। उसके अंदर जो आज का भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फंडामेंटल राइट्स है, काफ़ी हद तक ये नेहरू रिपोर्ट्स के अंदर से लिए गए हैं। ये मोती नेहरू रिपोर्ट से इंस्पायर्ड है। उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंटशिप से कांग्रेस के। और फिर जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1928 के अंदर जो था नेक्स्ट इवेंट है, 1928 के अंदर जो बॉम्ब्स इन CLA दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने CLA के अंदर बॉम्ब डाले। उसके बाद लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके अंदर लाठी चार्ज हुआ और उसके अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। स्काउंडर्स जो थे ब्रिटिश ऑफिसर उनकी भी हत्या की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो देखा जा सकता है 1929 के अंदर ये था कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। 1930 के अंदर जो था
1930 जो है इसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया। उसके बाद 1931 के अंदर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर लॉन्च हुआ। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए ताकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसे बंद करने के लिए जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए। उसके बाद 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर उसके बाद जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई, देवर हैंग्ड। सो लाहौर अधिवेशन में जब गांधी जी पहुँचे उसके बाद गांधी इरविन के पैक्ट के बाद, तब उनका स्वागत जो है काले झंडे से किया गया था। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना था कि गांधी जी अगर चाहते तो ये फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1932 के अंदर और एक सैड इवेंट हुआ जो है कम्युनल अवार्ड का, जो है कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किया गया। कम्युनल अवार्ड के अंदर यह था कि मुस्लिम्स को और दलित को भी अलग सीट दिए जा सके, तो अंबेडकर साहब जो थे ये इसके फेवर में थे और गांधी जी जो थे इसके खिलाफ थे। गांधी जी ये सोचते थे कि हिंदू जो है वो दलित और हिंदू कुछ अलग नहीं है, और इसको बांटने का ये षड्यंत्र है, ब्रिटिश सरकार का ये षड्यंत्र है, और ये मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। और इसके बाद जो है गांधी जी अपना हथियार इस्तेमाल करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद अंबेडकर जी जो है मजबूर हो गए और उन्होंने एक संधि साइन की जिसे कहा जाता है पुना पैक्ट। उसके बाद 1935 के अंदर GOI एक्ट आया जिसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद इलेक्शंस हुए और उसके बाद मिनिस्टर्स बने। इसके अंदर जो है कांग्रेस की विजय हुई थी और मुस्लिम लीग जो है बुरी तरह से हार गई थी। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो है वो है बोस और गांधी डिवाइड। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जो है बोस के ऊपर हम पूरा एक लेक्चर लेंगे, कैसे बोस ने अपना रास्ता चेंज किया। इनके बीच में, गांधी जी और बोस के बीच में काफ़ी लेटर्स एक्सचेंज हुए थे अपने विचारधारा के बारे में, कि गांधी जी क्या विचारधारा रखते हैं और फिर बोस क्या विचारधारा रखते हैं। और उसके बाद जो है एक और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो है मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि वो एक सेपरेट पाकिस्तान चाहते हैं। 1935 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर कांग्रेस जीतती थी और मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी थी, तो कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम्स कैंडिडेट खड़े किए जा सकते हैं, ऐसा ब्रिटिश सरकार मान चुकी थी। लेकिन मुस्लिम लीग के मुस्लिम कैंडिडेट्स के अलावा कांग्रेस जो पार्टी थी उन लोगों ने भी मुस्लिम्स कैंडिडेट खड़े किए और कुछ कैंडिडेट्स जो है वो कांग्रेस के जीत गए। फिर ऐसे सजेशन आया कि मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको मंत्री बनाया जाए, जो मुस्लिम कोटा है, और एक मिलीजुली सरकार बनाई जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लेकिन कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस अगर इसे हाँ कर देती तो वो एक हिंदू पार्टी बन के रह जाती। और इसी का इफ़ेक्ट, बहुत सारे हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि इसी का इफ़ेक्ट ये था कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग कर डाली। और 1940 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और ऑफिशियली जो है वो एक सेपरेट पाकिस्तान की मांग उन्होंने रख दी। और फिर 1940 के अंदर ऑगस्ट ऑफर भी आया। उसके बाद जो है 1942 के अंदर थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो है क्रिप्स मिशन इंडिया। उसके बाद स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है इनके लीडरशिप में ये क्रिप्स मिशन जो है इंडिया आया था। उसके बाद है इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड, और तीसरा जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज़ भारत छोड़ो आंदोलन। पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट में, दैट इज़ 1942 के अंदर, भारत ने पूरी फ्रीडम की मांग की थी एक आंदोलन के द्वारा, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद 1944 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। लॉर्ड वैवल जो थे इन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हिंदू मुस्लिम लीडर्स को एक साथ बुलाया था ताकि इनकी यूनिटी बना सके और कुछ एक फॉर्मूला पे वर्क कर सके। इसके बाद जो है CR फॉर्मूला भी आया लेकिन वो असफल रहा।
उसके बाद 1946 के अंदर जो है रॉयल आर्मी का, रॉयल इंडियन नेवी जो है उनका रिवोल्ट हो गया। कलकत्ता और कराची के जो पोर्ट्स थे इसके अंदर जो है जो नेवी के ऑफिसर से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उसके बाद INA ट्रायल्स हो गए, जो लाल किले पे INA के ऑफिसर्स के ऊपर ट्रायल्स हो गए। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और उसके बाद कॉन्स्टेंट असेंबली फॉर्म हुई। उसके बाद जो लास्ट है 1947, उसके हिसाब से माउंट बैटन भारत आए वॉइसराय बन के, और फिर माउंट बैटन का जो है वो प्लान आ गया और फ्रीडम मिला। तो ये था हमारे पूरी टाइमलाइन, और होप आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।